अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। क्या इमरान खान जेल से रिहा हो रहे हैं? आसिफ जरदारी की इमरान खान से मुलाकात हुई है या नहीं हुई? आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करके क्या कहा और कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। हर पाकिस्तानी जो घर में बैठा है ना, वो ये एनालाइज कर सकेगा कि अब हुकूमत किसकी बनेगी। शुरू करते हैं जरा इस बात से कि जब नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को वोट देने के लिए जाते हैं और जब अपना वोट कास्ट करते हैं तो साफ ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप अक्सरियत से जीत पाएंगे या आप मखलूत हुकूमत जो है वो बनाएंगे। तो उन्होंने कहा तौबा करें, मखलूत हुकूमत का नाम ना ले, हम सादा हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये बात कहने के बाद जब रात को रिजल्ट अनाउंस होते हैं और उसके बाद एक विक्ट्री स्पीच होती। अच्छा, विक्ट्री स्पीच क्या होती है? कोई भी सियासी पार्टी का लीडर जब यह देखता है कि वो सादा अक्सरियत से जीत रहा है और फिर वो, या उसके पास ऐसा ऑप्शन पहले ही इत्तेहादी कोई मौजूद है और उसे पता लग गया कि अब हम हुकूमत बना सकेंगे, तो उसे कहते हैं विक्ट्री स्पीच। लेकिन इन्होंने जब विक्ट्री स्पीच की नवाज शरीफ साहब ने, तो सिर्फ 65 सीटें इनके पास थी और इन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। उस वक्त इंडिपेंडेंट ज्यादा जीत रहे थे, नजर आ रहा था। तो इन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी और यह कहा कि हम अब हुकूमत बनाने की पोजिशन में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और ज्यादा सीट्स जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाता हूं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से, दीगर जमातों से राबते करें ताकि हम हुकूमत बना सके। इस पर बिलावल भुट्टो का बड़ा अजीब और गरीब स्टांस सामने आता है। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ मिलकर फिलहाल कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते जब तक तमाम रिजल्ट सामने नहीं आ जाते। अब आती है बारी, एक बड़ी गैर मुसद्दका खबर है। यह गैर मुसद्दका इसलिए है कि ऑफिशियली इसको नहीं रिपोर्ट किया गया। अडयाला जेल के बाहर एक वीआईपी मूवमेंट जो है वो नोटिस की जाती है, गैर मामूली मूवमेंट थी। यानी उसमें, उस मूवमेंट में यह बताया जा रहा है जो कि गैर मुसद्दका है कि आसिफ अली जरदारी जो है उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से। जैसे ही यह मुलाकात होती है उसके बाद एक और खबर आती है जो कि मुसद्दका है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर जाते हैं और उनकी लाहौर में मुलाकात होती है, जिसमें यह बात की जाती है कि अगर किसी जगह पे भी कोलैबोरेशन होना है तो जो मुल्क के वजीर आजम होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। उसके बाद एक और अहम खबर यह आती है कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब के 9 मई के जो 12 केसेज है और कुरैशी साहब के 13 केसेज में जमानत ले ली जाती है, उनकी जमानत मंजूर हो जाती है और ये जज है मलिक इजाज आसिफ साहब। अब आप खुद गौर कीजिएगा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, जरा गौर करें कि नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई शहबाज शरीफ साहब की कि वो राबता करें दीगर जमातों से। आसिफ अली जरदारी जो है वो मिलते हैं इमरान खान से, उसके बाद इमरान खान जो है उनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इमरान खान के हैं उनकी तादाद ऐसी है कि वो ही फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत। अगर वो जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो उनकी हुकूमत है, अगर वो नून लीग, अब फितरती तौर पे वो नून लीग के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इमरान खान के। आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की क्या कोई कोलेबोरेशन हो सकती है? अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने खुली ऑफर दे दी अपनी विक्ट्री स्पीच में आसिफ अली जरदारी को, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उसकी तरदीद कर दी। अब बजायर यह लगता है कि आसिफ अली जरदारी जो है उनका झुकाव इमरान खान की तरफ है नवाज शरीफ से ज्यादा। क्यों? पीडीएम में उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करके, यानी शहबाज शरीफ और नून लीग के साथ काम करके देख लिया, उनको एक्सपीरियंस है कि नून लीग के साथ काम करना कैसा है और दीगर जमातों के साथ काम करना कैसा है। जिस जमात के साथ आसिफ अली जरदारी ने काम नहीं किया वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस जमात के लोगों के साथ उन्होंने काम नहीं किया, इनको कभी भी उन्होंने डील का हिस्सा नहीं बनाया। क्या अब यह हुकूमत इस पोजीशन में बन रही है कि आप लोग यह देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर कोई हुकूमत बना ले? क्योंकि फितरती तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग तो आपस में यकजा हो सकते हैं, हुए भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग नहीं हो सकते। यानी इसमें मैं समझता हूं कि यह एक गैर फितरती अमल हो जाएगा अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो आसिफ अली जरदारी के, क्योंकि कोई भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा हुकूमत में आ सके। नवाज शरीफ साहब ने सहाफियों को यह भी कहा था
कि इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाना ये जरूरी है, यानी मखलूत हुकूमत जो है वो इस मुल्क की तकदीर। लेकिन फिर भी आज कंडीशन नाम उसी में है कि कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बना सकती। सो ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर, वो ये है कि इमरान खान साहब की 12 केसेस में जमानत मंजूर कर ली गई है और इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद इतनी है कि वही फैसला कुन तादाद है जो अगर किसी जमात के साथ मिलते हैं तो वो फिर हुकूमत बना लेगी।